हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ऑलरेडी हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसके अंदर स्पेस होता है। ये हमने 1.1 और 1.2 में पढ़ लिया ऑलरेडी। हमने शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ा कि वाटर के अंदर कैसे डिजॉल्व हो गए थे उनके क्रिस्टल्स। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेट, मतलब नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रॉपर्टी जो इसकी है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर्स के पार्टिकल स्पेस होता है, इसका एग्जांपल दो, तो कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। आप टी के एग्जांपल दे सकते हैं, कॉफ़ी के एग्जांपल दे सकते हैं, मिल्क और इसमें शुगर सब मिक्स हो जाता है, कॉफ़ी में दूध और कॉफ़ी पाउडर मिक्स हो जाता है, नींबू पानी में सॉल्ट, शुगर, पानी में सब डिजॉल्व हो जाता है। तो एक पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में मिक्स हो जाता है, उनके स्पेस में फिक्स हो जाता है। तो ये इसका एग्जांपल हो सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये शो करता है कि मैटर के पार्टिकल्स के अंदर इनफ स्पेस होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे 1.2.2 सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स मैटर के, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली। ओके, एक्टिविटी 1.3। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल्स। मतलब आप एक अगरबत्ती रख दो बिना जली हुई अपनी क्लास के, और आप कितनी जल्दी उसके पास जा पाओगे उसकी स्मेल सूंघ के। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। अब तुम जला दो उसको, व्हाट हैपेंस, तुम्हें स्मेल कितनी दूर तक आ जाएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो। तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो बिना जली जो अगरबत्ती है उसके हमें बहुत पास जाना पड़ेगा, तब हमें स्मेल आएगी। और जो अगरबत्ती जली हुई है उसकी स्मेल हमें दूर तक आ जाएगी। तो क्या रीज़न है, इसका रीज़न हम पढ़ेंगे कि जैसे इसकी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के मूव करते रहते हैं, तो ये कैसे मूव करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की, दैट इज़ एक्टिविटी 1.4 में ये करना। टेक टू ग्लासेस बीकर, ग्लासेस ले लो या बीकर ले लो, फिल्ड विद वाटर, उसको वाटर से फिल कर लो। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। ओके, एक में ब्लू और रेड इंक डाल दो एक बीकर में, और दूसरे में हनी डाल दो। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन कॉर्नर ऑफ द क्लास। लीव उनको ऐसे ही छोड़ दो अपनी क्लास में, अपने घर के अंदर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो कि क्या होता है। What do you observe immediately after adding the ink drop? तुम क्या ऑब्जर्व करोगे जब तुमने इंक ड्रॉप डाली, और जब तुमने हनी डाला तुमने कैसा ऑब्जर्व किया। तो हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो कितने आवर्स या कितने डेज लगे इस इंक को वाटर के अंदर घुलने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, जो इंक है वो जल्दी स्प्रेड हो जाएगी, और जो हनी है वो बहुत टाइम लगेगा उसे मिक्स होने के लिए। क्योंकि हनी जो है वो डेंस है बहुत ज़्यादा, वो थिक है। तो ठीक है, जो लिक्विड चीज़ें में भी जिसकी डेंसिटी कम होगी वो जल्दी घुल मिल जाएगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो कम घुल पाएगा। इसकी ये ऑब्जर्वेशन है। हम नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.5। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैगनेट इंटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अच्छा, एक क्रिस्टल ले लो कॉपर सल्फेट का, जिसको CuSO4 बोलते हैं, या फिर पोटेशियम पर मैगनेट का, डाल दो हॉट वाटर में और दूसरा डाल दो कोल्ड वाटर में। उसको स्टेयर मत करो, हिलाओ मत। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, मतलब नीचे उसे बैठ जाने दो उनके क्रिस्टल्स को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, तुम क्या ऑब्जर्व करोगे जब वो सॉलिड क्रिस्टल तुमने डाला है। व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा, तुम्हें क्या तुम देखोगे। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में क्या पता चलता है इससे हमें। और डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ, कि टेम्परेचर का भी कोई असर होगा मिक्स होने में, क्यों होगा और कैसे होगा। तो हमने तीन एक्टिविटी पढ़ी, देखो तीनों आपको पता होनी चाहिए। पहली एक्टिविटी थी हमने स्टिक के बारे में पढ़ा उसमें, दूसरी एक्टिविटी थी जिसमें हमें इंक के, और दूसरा हमारा क्या था, हनी के बारे में पढ़ा। तीसरी एक्टिविटी में हमें कॉपर सल्फेट को एक कोल्ड वाटर में मिला दिया और फिर हॉट वाटर में मिला दिया। तो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इससे रिगार्डिंग हमें हमारी क्या ऑब्जर्वेशन निकलती है वो हम पढ़ेंगे। ओके, हमने एक्टिविटी पढ़ ली 1.3, 1.4, 1.5।
तो क्या ऑब्जर्वेशन उसके देख लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, क्यों करते हैं, दैट इज़ दे पोजेस वी कॉल द उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, वो एनर्जी जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसमें होती है, दैट इज़ कॉल्ड वो एनर्जी, उसको उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में जब भी हम गैस तेज़ कर देते हैं तो क्या होता है, वो उबलनी स्टार्ट हो जाती है, जल्दी जल्दी उसके पार्टिकल्स वो पत्ती हमें दिखाई देती है, वो इधर उधर भाग रही है, तो इसका मतलब वो यही है कि टेम्परेचर जब भी राइज होगा पार्टिकल्स हमारे मूव करेंगे फास्टर। सो वी कैन से दैट द विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमें पता है कि पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, उससे ये कंक्लूजन निकलता है। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। हमने तीनों एक्टिविटी में पढ़ा कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ अपने आप। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पार्टिकल्स के सब्सटेंस के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है, वो उसमें इंटरमिक्स हो जाते हैं। क्लियर। अब एक टर्म है यहाँ, दैट इज़ डिफ्यूजन। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। जब दो डिफरेंट टाइप्स के मैटर अपने आप उसके पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, उसे हम उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्लियर। इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट जो है डिफ्यूजन का वो भी इंक्रीज होगा, डिफ्यूजन उतना ही जल्दी होगा। क्लियर। हमने 1.5 एक्टिविटी तक अपना कंप्लीट कर दिया, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।